उन लोगों का घर किधर? सर बगल में, घर के बगल में ही घर है इसके। और रोड पे भी ये वाला घटना स्थल पे भी घर है जहाँ पे हत्या हुआ। नया घर बना है, नया घर वहाँ बना है रोड पे, वही पे दो नंबर के धंधा होता है, वही पे। इस लड़के से पूछिए, सारी बंदूक वही रखते हैं, बंदूक के धंधा करते हैं। ये बच्चे कैसे? उसके घर की बात है ना। अच्छा, इस घर से उस घर का क्या कोई संबंध? हाँ, उसका बड़ा पापा का घर है। आपके और उसके घर का कोई संबंध? नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं। गांव के लोग हैं। मतलब कोई रिलेशन नहीं? नहीं रिलेशन। आप लोग एक कास्ट हैं? हाँ, कास्ट एक है। गिरी? हाँ, गिरी जी हैं। मतलब रिलेशन कुछ नहीं? नहीं, कुछ रिलेशन नहीं, गांव के हैं। बताइए। कोशिश किए समझाने का, सुलझाने का, उनसे मिले भी बीच में, लेकिन कभी वो लोग समझे नहीं। जो मेन शशिभूषण गिरी है, लड़की का बड़ा पापा, वो कभी मामले को सुलटने नहीं देता था। मुखिया जी भी जानते हैं इस बात को। मुखिया जी भी बहुत प्रयास किए हमारे साथ किए सुलट के, पर कभी ये हुआ नहीं। मारने के पीछे क्या कारण? मारने के पीछे यही लड़की, और वो लड़की मेन रीजन है। लड़की से शादी कर लिया, और शशिभूषण गिरी तो अपना जो निभा रहा था तो निभा ही रहा था। शादी तो करीब लाइए ना, शादी 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 तो शादी एक मिनट सुनिए, शादी तो संजोग नहीं है ना। शादी तो हो गई, शादी तो जहाँ होना होता है वहाँ होता है। शादी हुई उसी दिन से उन लोगों ने हमला शुरू, मतलब जिस दिन पहले भी आप लोग को एक साल में कम से कम 10 मुकदमा किया है इस शादी के बाद। जिस दिन लड़का लड़की भागे हैं उसे एक साल में कम से कम 10 मुकदमा किया है। सीसीटीवी आप लोग के, आपके बाबूजी के भाई हैं? मेरे पापा 3 भाई हैं। आपके दादा के भाई? हमारे दादा 4 भाई हैं। आप लोग भी तो बहुत बड़े परिवार हैं। मेरे चाचा खुद उसमें शामिल थे मारने वालों में, जो चाचा के अपने सगे चाचा। क्यों ऐसा? उनका अपना कुछ निजी रहा। शराब के धंधे करते हैं ना वो लोग, करते मिल के। तो चाचा पे हमें कोई उम्मीद नहीं थी। पटीदार में झगड़ा होता है, मारपीट तक समझ में आता है, पर हत्या हमें नहीं समझ में आया कि चाचा इसमें क्यों साथ है। आप क्या करते? हम लोग इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस करते हैं, सीसीटीवी कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक। तीनों भाई पहले दो तीन साल से है। तीन साल हम लोग आए हुए। पहली बार आजाद हिंदुस्तान के 57-58 के बाद क्या आजादी से जीने की, किसी को मुस्कुराने की, किसी के विचारों की स्वतंत्रता की, किसी की निजी लाइफ पर, जो मैं बार बार कहता हूँ, इस देश में 4 आदमी 4 वर्ग को जीने का राइट है। पूंजीपति, माफिया, अपराधी, पदाधिकारी और नेता। इस 4 के अलावे सिर्फ ताकतवर और अपराधी माफिया सिस्टम को रखेल बना लिया। माफियाओं का नजायज औलाद हो चुका है ये व्यवस्था, ये सिस्टम। किसी भी मिडिल क्लास, कॉमन क्लास, आम आदमी को मुझे लगता है कि जीने की आज़ादी या आगे बढ़ने की आज़ादी इस बिहार में जो मैं देख रहा हूँ वो नहीं लगता है। हम लगातार ऐसी घटना, सुबह से शाम एक दूसरे जात को गाली देना, एक दूसरे के विचारों को नीचे दिखाना, एक दूसरे के धर्म को गाली देना, एक दूसरे के मजहब को गाली देना, कभी गीता पर सवाल करना, तो कभी कुरान पर करना, तो कभी रामायण पर करना, तो कभी भाषा पर करना। यानी सर, बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है। सुनिए, अपराध बढ़ रहा है, अपराध तो पहले भी ना, इसी जगह हम इसी इलाके में 10 बार आए हैं। मर्डर और घटना तो आम बात है, डर नहीं है ना। समाज का डर है माफियाओं को, और ना पदाधिकारियों का डर है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये जो पदाधिकारी हैं माफियाएं, ये कंप्लीट रूप से सर जमीन, शराब,
बालू ऐसे चीज़ों में नेताओं के साथ इन्वॉल्व, और हमेशा से न्याय के बारे में देखा गया है वो प्रभावित हो जाता है पैसा और वोट की राजनीति में। अब वो ताकतवर लोग, मुझे लगता है कि जो MLA हैं, MP हैं, मंत्री, एक तो यहाँ के MLA MP मंत्री को सिवाय जाति के, सिवाय हिंदू मुसलमान के, सिवाय नफरत की भाषा के दूसरी बात आती ही नहीं है। कंप्लीट रूप से पहले भी समाज में इतनी बड़े बड़े विभत्स घटना घटी, कभी आपने यहाँ के MLA MP को जाते देखा? कभी यहाँ पर किसी मंत्री को पीड़ित से मिलते हुए देखा? सबके सब दबंगों के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये रेयर एंड रेयरेस्ट घटना है। इतनी बड़ी घटना जब पहले एक ही समाज के दो बच्चे शादी करके एक साल से जी रहे हैं, और जब आरोप लगा कि बच्ची को मार दिया गया या गायब हो गए, तो ये लोग खुद आकर के बयान दिए कि हम लोग दोनों एक अच्छे तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हैं। और तीन सगे भाई लगातार इस बात को प्रयास कर रहा था कि हमको जस्टिस मिले, हमको न्याय मिले, हमको मार देगा। लगातार धमकी एक साल से मिल रही थी, उस परिवार को धमकी मिल रही थी, समझौता होने का प्रयास किया गया, लेकिन जिस तरीके से लड़की के बड़े पापा लगातार दबंग गई, उनके बारे में यह कहा जाता है कि इस इलाके में वो कई तरह के धंधों में इन्वॉल्व हैं, और खुली छूट है, खुली आज़ादी है, और खुले तौर पर थाना मैनेज है। वीडियो जिस तरीके से मैंने अभी देखा, वीडियो जो मार रहा है, हाथ में राइफल है, जिस तरीके से लगातार सीने पर चढ़ के मारना कि मारो, आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा नफरत की राजनीति होगी। ये देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि ये मार के जिस तरीके से मारा गया है, मैं मेरे ख्याल से ये देखिए, सबके हाथ में राइफल, सबके हाथ में फुटेज है, आप देखे होंगे वहाँ से, कैसे आप लोग जूम करते हैं हमको तो नहीं पता। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, आप लोग क्या है देख लीजिए, सभी लोग पहले सुन तो लीजिए भाई, आप लोग देखिए कैसे लोग आ रहे हैं, सो देखिए, देख रहे हैं ना। तो अब आप सोचिए कि क्या बिना थाना के इन्वॉल्व के हम इस बात को मुख्यमंत्री जी के नज़दीक, अभी मैंने संज्ञान में हम दे रहे हैं, हमने अभी SP साहब से बातचीत की है, हम DIG साहब से बात करेंगे, और इस मामले को DG साहब से भी, भट्टी जी से भी बात करेंगे। जितना बड़ा ताकतवर थाना प्रभारी हो, जितना बड़ा ताकतवर लोग हों, यह घटना समाज के लिए, इंसानियत के लिए कंप्लीट रूप से चैलेंजेबल है। इसको हर व्यक्ति को चैलेंज में लेने की ज़रूरत है। क्या किसी भी व्यक्ति को, किसी भी परिवार को, क्या अपनी लाइफ को जीने का और अपनी लाइफ खुद तय करने का कोई राइट नहीं है? क्या ये ताकतवर लोग तय करेंगे रिश्तों को? तो जिस तरीके से यह घटना घटी है, यह हमने बहुत चैलेंज में, हम जब रात आए, उनकी मम्मी से मेरी बातचीत हुई, तब मैंने निर्णय लिया। हमें कई लोगों ने हमको मैसेज, सबसे पहले एक लॉयर है रूपम, इन्होंने हमको उस लड़की का मैसेज दिया सोशल मीडिया पर, एडवोकेट हैं, कि इस तरह की घटना घटी है, और पहला जानकारी हमको इन्हीं के द्वारा मिली। और जब हमें नंबर मिला तो हम इनकी माँ से बातचीत किए, और माँ से बातचीत करने के बाद हमने निर्णय लिया कि मैंने अपने नेता जो यहाँ के हैं, स्थानीय हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, फिर हमारे अध्यक्ष मुखिया जी से, हम लोगों ने तय करके ये हुआ कि हमको जाना चाहिए। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि
जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, घटना के बाद भी जिस तरीके से आतंक का माहौल पैदा किया गया, डराने की कोशिश हुई है, हम इसको, इस डर को चैलेंज में लिए हैं। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि आपके एक बच्चे चले गए, यदि आपके भाग में, और भगवान पर जब आपको भरोसा है कि वो तय वो करता है, तो यदि भगवान को यही तय होगा कि आपके सब बच्चे चले जाएं, तो मुझको लगता है कि एक इतिहास दुनिया का बन जाएगा। आप फेस ही नहीं कीजिए, आप लड़ने की हिम्मत दिखाइए। जितना आप डरिएगा आपको डराएगा, इसलिए आप आवाज़ देने की हिम्मत करिए। अब ये बच्ची 7 महीने की प्रेगनेंसी में है, आप अंदाज़ा कीजिए क्या इस बच्ची की कोई लाइफ बची, क्या इस बच्ची को कोई देख पाएगा, और क्या अब देश यहाँ सिविल सोसाइटी जो बड़का बड़का तगमा बात करता है, क्या वो सिविल सोसाइटी और वो लोग अब यहाँ पर नहीं हैं। तो इसीलिए मैं आपसे स्पष्ट कहता हूँ कि जो लोग यहाँ आते हैं वह अपनी दुकान चलाने आ जाते हैं, न्याय से उनको दूर दूर तक मतलब नहीं है। आप बिल्कुल कान बंद करके जाइए, जिस भी परिस्थिति में होगा इस बच्ची को न्याय